डियर बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, आज हम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर रिलेटेड कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और इसके बाद हम नेक्स्ट डिजीज कंडीशन को डिस्कस करेंगे। पिछली क्लास में हमने लंग्स डिजीज़ के अंदर ऑब्स्ट्रक्टिव और रेस्ट्रिक्टिव के बारे में समझा था। ऑब्स्ट्रक्टिव में एम्फाइसीमा, ब्रोंकाइटिस, सीओपीडी ये सब थे और रेस्ट्रिक्टिव लंग्स डिजीज में सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस, मोस्ट ऑफ ऐसी डिजीज जिनके पीछे ओसिस लगता है, ये डिजीज कंडीशंस थी। ये वीडियो स्पेशल ब्रोंकाइटिस के कॉन्सेप्ट के लिए है। ब्रोंकाइटिस के लिए सीधा सा आपको समझना है इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रोंकियल्स और ब्रोंकाई जो है इनके इन्फ्लामेशन के लिए क्या क्या कारण हो सकते हैं। इन्फेक्शन हो सकता है, केमिकल रिएक्शन हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिजीज हो सकता है, गैस्ट्रिक हो सकता है। कैसे? इन्फेक्शन के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, वायरल हो सकता है या इन्फ्लुएंजा हो सकता है। बैक्टीरियल का इन्फेक्शन का अपन ने नीचे एग्जांपल लिखा है, न्यूमोकोकल जैसे इन्फेक्शन होना। इन्फ्लुएंजा के अंदर इन्फ्लुएंजा ए और इन्फ्लुएंजा बी भी हो सकते हैं, ठीक है। और ये इन्फ्लुएंजा फ्लू इन्फेक्शन कहलाते हैं, जैसे कि इसके पहले कोरोना के पहले स्वाइन फ्लू आया था, वो फ्लू इन्फेक्शन था। और वायरल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। तो किसी भी तरह के इन्फेक्शन से यदि ब्रोंकियल में सूजन आती है, स्वेलिंग आती है, इन्फ्लामेशन आता है, दैट इज़ कॉल्ड ब्रोंकाइटिस। इसी तरह केमिकल रिएक्शन, चाहे वो स्मोकिंग का निकोटिन हो, पोल्यूटेंट मटेरियल हो, कोई इरिटेटिव सब्सटेंस हो, किसी इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं और वहाँ का कोई केमिकल हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को इरिटेट कर रहा है, ब्रोंकियल्स को इरिटेट कर रहा है और इन्फ्लामेशन क्रिएट कर रहा है, तो ये केमिकल कॉज हो जाएगा। स्मोकिंग, ऑक्यूपेशनल और ये सारी चीज़ें केमिकल, फ्यूम्स हो गए, ये सारी चीज़ें केमिकल में आ जाएंगी। इसके बाद थर्ड है रेस्पिरेटरी डिजीज़। मींस पर्सन को पहले से ही कोई रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो, जैसे उसको लेरिंजाइटिस हो, फेरिंजाइटिस हो, ठीक है, कोई लंग इन्फेक्शन हो पहले का, और उस इन्फेक्शन के साथ में ब्रोंकियल इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, ब्रोंकाई जो है वो स्वेलन हो जाते हैं, तो ये ब्रोंकाइटिस जो है वो क्या हो जाएगा, सेकेंड डिजीज़ हो जाएगी। फर्स्ट पहले से मौजूद है, उसके होते हुए सेकेंड डिजीज़ जनरेट हुई। फोर्थ में है गैस्ट्रिक। गैस्ट्रिक का ब्रोंकाइटिस से क्या मतलब है? सपोज़ किसी पर्सन को गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स आते हैं, उसका स्टमक बार बार रिफ्लेक्स देता है, और रिफ्लेक्स का मतलब यह है कि गैस्ट्रिक कंटेंट को ओरल कैविटी से वापस बैकवर्ड थ्रू आउट बॉडी के बाहर निकालना, ठीक है, इसको हम कहेंगे गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स। तो कभी पर्सन को जैसे गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स आते हैं तो उसके स्टमक में मौजूद HCL जब रिफ्लेक्स के थ्रू उसके ओरल कैविटी की तरफ आता है और रेस्पिरेटरी ट्रैक की तरफ आता है, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक का जो इनर लाइनिंग है उसके डैमेज होने से इन्फ्लामेशन होगा, सोर थ्रोट हो जाएगा, और इस तरह के केमिकल डैमेज में ही काउंट होता है ये, और इसके अगेंस्ट में भी इन्फ्लामेशन होगा और जिस कारण से भी अब एक्यूट ब्रोंकाइटिस और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस ऑलमोस्ट सेम है। इटियोलॉजी, रिस्क फैक्टर, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, मैनेजमेंट, लगभग सारी चीज़ें सेम हैं। एज ए सेकेंड ईयर बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट, है ना, बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर स्टूडेंट के नाते आपको बस इतना याद रखना है कि एक्यूट ब्रोंकाइटिस और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में क्या क्या डिफरेंस हैं वो आपको इंट्रोडक्शन में याद रखने हैं, बाकी सारी चीज़ें सेम हैं। तो फर्स्ट अपन लेते हैं एक्यूट ब्रोंकाइटिस। सडनली हो जाता है, और एक्यूट ब्रोंकाइटिस जब होता है तो ये 10 डेज का ड्यूरेशन इसमें लगता है, और ये मेडिसिन अच्छे से प्रोवाइड करी जाए और इम्यूनिटी सपोर्ट करे, है ना, पर्सन की इम्यूनिटी जो है वो अच्छे से वर्क करे, तो ये आपका 10 डेज के अंदर रिलीफ भी मिल जाएगा, और इसी कारण से ये रिवर्सिबल डिजीज़ कंडीशन है। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस क्या है? स्लोली प्रोग्रेस करता है, धीरे धीरे डिजनरेट करेगा, धीरे धीरे इरिटेशन लाएगा, धीरे धीरे इन्फ्लामेशन क्रिएट करेगा, और मोस्ट ऑफ ये कंडीशन जो है वो ओल्ड पीपल में पाई जाती है। तो स्लो प्रोग्रेस होने वाली, इसमें कुछ महीनों से कुछ साल लग जाते हैं प्रोग्रेस होने में, लेकिन ये इरिवर्सिबल डैमेज है, ठीक है। इसलिए फर्स्ट पॉइंट हमने क्या लिखा है, स्लो प्रोग्रेसिव एंड इरिवर्सिबल डिजीज़, पहली चीज़। दूसरा ये कि दूसरा पॉइंट ये है कि ये 3 महीने से 2 साल तक का टाइम भी ले सकता है, ठीक है। और थर्ड पॉइंट है, जब ये क्रॉनिकली धीरे धीरे बढ़ जाता है तो इसके साइंग एंड सिम्टम बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं, और ये
इंक्रीज्ड साइंगन सिम्टम है वो जानलेवा हो सकते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन इसके अंदर बन सकती है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि एक्यूट और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस सारी कंडीशन पूरी सेम रहती है, सारी जांचें, मेडिसिन, ट्रीटमेंट, एटियोलॉजी, रिस्क फैक्टर सब चीज़ें सेम रहती हैं। बस एक्यूट सडनली होता है, क्रॉनिक धीरे धीरे प्रोग्रेस करता है। एक्यूट 10 डेज में सही हो जाता है, क्रॉनिक जो है वो 3 महीने से 2 साल लगा लेता है। और क्रॉनिक के अंदर सिम्टम यदि बढ़ जाए, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग बढ़ जाए, ठीक है, डिस्निया हो जाए, टेकिपनिया हो जाए और ये चीज़ें, सिक्रीशन बढ़ जाए, तो गैस एक्सचेंज बिल्कुल कम हो जाए, तो ये कंडीशन जानलेवा हो सकती है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। और मोस्ट ऑफ ये जो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है वो ओल्ड पीपल में ज़्यादा पाया जाता है। अब बात आती है सर कि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के नोट्स कैसे लिखें। तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के नोट्स आपने, जैसे एक्यूट ब्रोंकाइटिस के जो वीडियो में मैंने आपको जो नोट्स बताए थे वो सारे नोट्स आप क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में लिख सकते हो। लेकिन आज के इस वीडियो में मैंने जो एक्यूट और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के बीच में इंट्रोडक्शन का जो डिफरेंस बताया है वही चीज़ आपको उसमें ऐड कर देनी है, ठीक है। एक्यूट सडनली होता है, 10 डेज में सही हो जाता है और रिवर्सिबल होता है। क्रॉनिक 3 महीने से 2 साल लगाता है, इरिवर्सिबल है, स्लो और प्रोग्रेसिव, ये चीज़ आपको नोट्स में ऐड कर देनी है। बाकी रिस्क फैक्टर, एटियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, डायग्नोसिस, साइंगन सिम्टम, मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें एक्यूट ब्रोंकाइटिस के जैसे ही सेम टू सेम इसमें कॉपी कर देना है। और मैनेजमेंट को यदि आपको डिटेल में लिखना है ना, मेडिसिंस क्या क्या यूज़ की जाती हैं, शॉर्ट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग, एल्ब्यूटेरॉल, ये सारी चीज़ें मैंने एम्फाइसीमा में बता रखी हैं। तो एम्फाइसीमा की जो भी मेडिसिंस हैं सारी मेडिसिंस इसमें अप्लाई होंगी, ये सारे एग्जांपल इसमें अप्लाई होंगे। अब ये डिपेंड करता है कि डॉक्टर्स के ऑर्डर क्या है, पेशेंट का रिस्पॉन्स क्या है, पेशेंट की एज क्या है, डिजीज़ की सीवियरिटी क्या है, उसके सिम्टम्स में क्या इम्प्रूवमेंट आ रहा है, ये सारे फैक्टर्स डिसाइड करते हैं कि कौन सी मेडिसिन उसमें से देनी है। तो आपको बस एज ए सेकेंडरी स्टूडेंट एम्फाइसीमा के जो मेडिसिन मैनेजमेंट है, आप पिछले वीडियो देखिए, एम्फाइसीमा के वीडियो में से मेडिकल मैनेजमेंट को भी आप यहाँ पे लाके लिख सकते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट डिटेल में लिखना चाहो तो एम्फाइसीमा के वीडियो में से देख के यहाँ पर आप कॉपी कर सकते हो। और यही आपके नोट्स हैं और इतना काफ़ी है। नेक्स्ट और लास्ट हेडिंग आती है अपनी नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस जो आप सामने देख रहे हो, ये सारे नर्सिंग डायग्नोसिस पहले अपन पढ़ चुके हैं, सभी सिंपल हैं, सारे पॉइंट्स आराम से पढ़िए, इनको भी नोट्स में लिखिए, इन नोट्स को आपकी कॉपी में लिखिए, ठीक है। सारे नर्सिंग डायग्नोसिस सिंपल हैं, आराम से पढ़िए। यदि समझने में कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मेरे डायरेक्ट फ़ोन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। यदि आप एम्फाइसीमा और क्रॉनिक एंड एक्यूट ब्रोंकाइटिस को समझ गए हैं तो COPD आपके लिए बहुत